मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 11 जो कि 6 तारीख को आपको मिली है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 10 पढ़ी है। वर्कशीट में पहले क्या था और अब क्या है, एक बार पहले वाली वर्कशीट को याद करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने क्या देखा था वो देखो बेटा। पिछली वर्कशीट में हम बात कर रहे थे किसकी, तो पिछली वर्कशीट में हमने पादपों में पोषण की बात की थी। पादप अपना खाना कैसे बनाता है और उसको कैसे यूज़ करता है। पादपों में पोषण की और विधियां भी होती हैं, जैसे कि पहला था प्रकाश संश्लेषण। क्या और भी तरीके से पौधे अपना खाना बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के अलावा? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण था सूरज की रोशनी का प्रयोग करके पौधे कच्ची सामग्री से अपना भोजन बनाते हैं। तो अब जो है उसके अंदर है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं बेटा। उन्हीं की ही सब्जी बना के खाते हैं, उन्हीं के ही फल को हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस तरह के पोषण को जिसके अंदर पौधों को हम खाते हैं उसे कहते हैं विषमपोषी। कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं बेटा जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जबकि दूसरे पौधों को ही पोषण के लिए प्रयोग करते हैं या उनके द्वारा बनाए गए भोजन को खुद खाते हैं। ऐसे पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं और ऐसे पौधों को कहते हैं विषमपोषी। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। चित्र में देखो, जरा ध्यान से देखो, आप सबके पास साइंस की बुक है। साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर आप खोलिए, उसमें आपको ऐसा चित्र दिखाई देगा। ये चित्र किस चीज़ का है? इस चित्र के अंदर एक पेड़ है हरे रंग का और उसके ऊपर पीले रंग की कुछ लताएं सी दिखाई दे रही हैं, हमें पतली पतली बेल दिखाई दे रही है ना, ऊपर से नीचे गिरती हुई। ये जो बेल है इसे कहते हैं अमर बेल। क्या कहते हैं? अमर बेल कहते हैं। और अमर बेल का एक पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसका रंग पीला होता है, इसका रंग हरा नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब चढ़ रहे होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस पर ये है उसे क्या कहते हैं बेटा? परपोषी। ठीक है, तो इसका मतलब जिस पेड़ पर इस टाइम ये अमर बेल है वो है परपोषी, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसीलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। अब जब तक ये उस पेड़ पे रहेगा तो क्या होगा, जो पेड़ है वो अपना खाना बना रहा होगा और उसको ले कौन लेगा, सारा चूस लेगा कौन? ये अमर बेल। इसीलिए अमर बेल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा परजीवी। ठीक है, और कौन सा है ये पेड़ और इस बेल का नाम क्या है? इस बेल का नाम है अमर बेल। जिस पेड़ पर ये है उसको कहेंगे पादप परपोषी, मतलब पौधा जो दूसरों को खाना दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे चलते हैं। जरा क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, जंतुओं को ही खा जाते हैं? ऐसे पादप देखे या सुने हैं आपने? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, कीड़ों को पकड़ा, उन्हें बचाया। और ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया है। चित्र को जरा ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये चित्र किसका है? एक पौधा है जिसका आकार नीचे से बेटा घड़े जैसा है, दिख रहा है सभी बच्चों को? ये घड़े जैसे आकार का पौधा है बेटा, यहाँ ये घड़ा बना हुआ है देखो, और इस घड़े के ऊपर एक पत्ती है, ये पत्ती इसको ढक देती है। जब इसके पास क्या आता है, कोई मच्छर, जैसे ही इस घड़े के अंदर, ये घड़ा इस तरह की शेप का है, और जैसे ही कोई इसके अंदर, इसमें पतले पतले बाल जैसी संरचना है, कोई भी मच्छर इसके अंदर आया, इसमें एक अपने आप एक लिक्विड बनता है बेटा,
एक रस निकलता है, उस रस की सुगंध लेने के लिए, उसको चूसने के लिए कोई भी मच्छर इसके अंदर आया तो वो यहाँ फंस जाता है, और ऊपर से ये जो पत्ता अलग से दिखाई दे रहा ना, ये पत्ता उसके ऊपर ढक जाता है, मतलब ढक्कन हो गया बंद और वो बाहर नहीं निकल पाता मच्छर। तो ये क्योंकि घड़े की शेप का है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, घट पर्णी कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा क्या दिया हुआ है, ये है वीनस ट्रैप प्लांट, मतलब वीनस नाम का पौधा है और ये पकड़ता है किसको, मच्छरों को, कीड़े मकोड़ों को इसके अंदर पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है वीनस ट्रैप प्लांट। इसके अंदर ऐसे है ये, एक के ऊपर एक जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच की तरह बंद हो जाता है। ठीक, इसीलिए इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, कोई भी उड़ते हुए मक्खी है, मच्छर है, उनको पकड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पादप हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का ही स्वरूप है, पत्ती ही आगे से ऐसी घूम जाती है कि घड़े की शेप बन जाती है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े को ढक देता है, घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, मैंने कहा था ना बाल जैसी संरचना, मतलब धागे धागे से निकले हुए होते हैं, जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, ढलके रहते हैं, ऐसे नीचे गिरे हुए होते हैं। जैसे ये आपके पास है एक घड़ा, इसके अंदर ऐसे बाल जैसी संरचना है जो कि नीचे की तरफ है। ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर कुछ फंसा, यहाँ पर नीचे नीचे आ रहा है वो, और मच्छर या कुछ उसे खाने के लिए यहाँ चूसने के लिए, यहाँ से मक्खी मच्छर उड़ते हुए आ रहे हैं, वो नीचे तक गए तो ये सीधे हो जाते हैं अपने आप। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वे बाहर नहीं निकल पाता, घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, कीट अंदर ही सड़ जाता है आराम से, उसके अंदर से जूस निकल आता है कीड़े के अंदर से। ऐसे पादप को कीट भक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, इसके दो उदाहरण है, घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाईट्रैप पादप। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, इन्हें और अधिक पोषक तत्व चाहिए होते हैं, इसीलिए पोषक तत्वों के लिए और जीवों को खाते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास के लिए जरा प्रश्न देखते हैं। उससे पहले ये नीचे क्या लिखा है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। क्यों? क्योंकि कोविड फैला हुआ है, कोविड से हमें बचना है, तो कम से कम 2 फुट दूर रहना है किसी से भी। ठीक है, जो दिखाया हुआ है, देखो कितनी दूरी होनी चाहिए, या तो हो 6 फीट की दूरी या फिर हो 2 गज की दूरी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो ऐसा कौन सा पौधा था जो दूसरे किसी पौधे के ऊपर पल रहा था और उसका रंग था पीला। अभी हम पढ़ के चुके हैं, कितने बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, सभी बच्चे कह रहे हैं अमर बेल। दूसरा क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। कीटों को खाने वाले 2 पादप हमें याद हैं, और पहला पादप है आपके पास घटपर्णी पादप और दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप पादप, राइट? तो आपको इन 2 के उदाहरण लिखने हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये 2 नाम आपको लिखने होंगे बेटा। मिल गया सबको, घटपर्णी पादप और दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप पादप। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा बेटा पेपर में। अगला क्वेश्चन है, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर जहाँ तक है इन्हीं क्वेश्चंस में से ही बनना चाहिए, इसीलिए अच्छे से वर्कशीट को समझोगे और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करोगे। अगला है, कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि उनको मिट्टी से कम पोषक तत्व मिलते हैं। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसीलिए ये दूसरे जानवरों पर, मतलब कीटों पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा,
परजीवी व कीट भक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो परजीवी हो या फिर कीट भक्षी हो, मतलब दूसरों का खाना ले रहे हैं, मतलब पौधों के ऊपर निर्भर हैं या दूसरे पौधे को खा रहे हैं या कीटों को खा रहे हैं, तो इस तरह के पोषण को क्या कहते हैं? विषम पोषण। तो वर्कशीट बहुत आसान है, जो बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं वो बिना कुछ सोचे समझे आराम से आंसर भी कर लेंगे, है ना, उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैसे आपकी क्लास में ये पहले भी चैप्टर हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इस चैप्टर को कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।